वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए मैम, क्या हुआ आज कोर्ट में? आज जो हमारा जो फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था, इसी के आधार पे ये लोअर कोर्ट का फैसला खारिज किया गया। क्या हुआ है कोर्ट में आज, क्या हुआ, आप लोगों ने क्या पक्ष रखे थे, जज ने क्या कहा? जी देखिए, आज जो है ये जो मुकदमा है 610/1991 से चल रहा था, और चूंकि हमारा एक और नया मुकदमा जो है हमारी चारों बहनों के नेतृत्व में और आदरणीय, क्या हुआ आज कोर्ट में? आज जो है कोर्ट में ये हुआ जो है डिसीजन सर्वे को लेकर के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील्ड किया हुआ है, उस जगह को प्रोटेक्टेड करने के लिए जो है उन्होंने अपने पूर्व के इस आधार पे याचिका को खारिज किया गया। इस आधार पे, और यही नहीं, अभी हाई कोर्ट में भी कई मामले ऐसे पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी इस बात का आदेशित किया गया है कि उस जगह की जो है खुदाई नहीं की जाएगी, उस जगह को सील्ड रखा जाएगा। क्या करेंगे? तो ये जिला न्यायालय के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो जो है अवहेलना कर सके। अभी क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे, हम लोग आगे भी अपना झटका लगा है आप लोगों को, भी उम्मीद थी। हम लोग को झटका, कोई झटका नहीं, हम लोग को ऑलरेडी पहले से हम लोग का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस चल रही है। अब हम लोग का वजू, पूरी ताकत हम लोग को वजू खाना, जो सील बाबा सील है उसको हम लोग को मुक्त कराना है, वहाँ पे सर्वे कराना है हम लोग को। लेकिन बड़ी उम्मीद थी आज की, आज फैसला आएगा और जो एसआई की सर्वे की मांग है वो आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा था कि आज हो जाएगा? पहले देखिए 92 दिन तो एसआई सर्वे हो ही चुकी थी, सारा निकल गया, बस खाली जहाँ सील एरिया है बाबा का वहीं पे बाकी था वो वजू खाना। आज जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो केस लगी उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और जो आज आया उस स्वागत भी करेंगे, फैसले का स्वागत करते हैं। बताइए क्या हुआ कोर्ट में आज? कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र हम लोग के द्वारा दिया गया था कि वह एसआई सर्वे द्वारा जो रिपोर्ट आई थी 850 पेज की, उसके बाद बताया गया कि हमारा जीपीआर एक सीमा तक नीचे गया है, पूरा नहीं गया है, और कुछ तक खाना के सर्वे बाकी है, और 100 फीट का शिवलिंग है। क्या कहा आज जब याचिका खारिज की, तो क्या आधार रखा? नहीं, कोर्ट ने जब याचिका दाखिल की तो क्या क्या पूरी आदेश अभी नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि फाइंडिंग पढ़ करके आ गया है, पूरी आदेश पढ़ लिया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। किस आधार पे किया है, क्या कहा? वही तो आपको बता रहा हूँ कि संभव नहीं है तो खारिज कर दिया। अभी क्या करेंगे? हमारा भी सीनियर जयशंकर जी ने बताया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट जाएंगे। ये देखिए, ये वो वकील हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, और ये बता रहे हैं कि किस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी खुदाई पर ज्ञानवापी को लेकर रोक लगी हुई है, और इसी को आधार में रखते हुए जो आज जो हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी गई है। हमारे जो सहयोगी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कोर्ट परिसर के अंदर थे, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप अंदर थे, क्या हो रहा था वहाँ पे, किस बात पे जिरह हो रही थी, और फाइनली ये जो है हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया, क्या कहा जज साहब ने? देखिए, जो जज का इसमें डिसीजन आया है, उसने जज युगल शंभू ने, सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट ने, ये सीधे सीधे कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कि इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक आदेश है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न किया जाए, मेन जो है इसी को कंसीडर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है उसी को आधार बनाते हुए याचिका खारिज की, खारिज कर दिया गया। अब हिंदू पक्ष के सामने विकल्प है कि इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाए, हालांकि ये इस पूरे मामले में जो 1991 का वाद था हिंदू पक्ष द्वारा, उस पूरे वाद को जो है 33 साल बाद अंततः जो है युगल शंभू की कोर्ट ने अब आज खारिज कर दिया। हालांकि हिंदू पक्ष के जो इसमें वादविद थे विजय शंकर रस्तोगी, उनका इस अपने पक्ष को लेकर, ये देखिए यहाँ पर जो है लोग तो हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। 1991 में दायर हुआ था ये पूरा विवाद, हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। एक बड़े झटके के तौर पर भी इस फैसले को माना जा रहा है। दरअसल मस्जिद के आसपास का जो एरिया है उस पर खुदाई की मांग की गई थी, एसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर जो तथ्य रखे गए 33 सालों से चल रहा है 1991 का, इस विषय पर आर्ग्यूमेंट किया गया था, कहा गया था न्यायालय से, हमारी प्रार्थना थी कि एएसआई सर्वे अतिरिक्त हो जाए, जो कि 5 वादिनी महिलाओं के केस के अलावा जो 25 दिसंबर 2023 को जमा है जिला जज की कोर्ट में, इसमें हो जाए। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का सवाल नहीं है, उनको लीगल राइट है, उनको लीगल राइट है, वो अपील रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हिंदू मुसलमान ना बनाए। एक इंग्लिश में छोड़ा सकते हैं सर, टुडे व्हाट इज गिवन बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट हाई कोर्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिसीजन? एडिस
उसके बाद ये फैसला, तो कहीं ना कहीं निराशा है। उम्मीद थी, लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने रोक लगाई थी वो तो पहले से लगाई थी, तो लग रहा था कहीं ना कहीं ये मन में कहीं ना कहीं थोड़ी कहीं आशंका थी कि ऐसा भी हो सकता है। तैयार थे आप इन सब चीजों के? ये मन स्थिति बना लिए थे, चूंकि इसी से संबद्ध मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए उसके आलोक में हमें ये आशंका थी कि ये कोर्ट चूंकि चौथे श्रेणी में आती है, इसके बाद चार सोपान और हैं, यानी कि जिला जज और हाई कोर्ट सुप्रीम, लड़ाई है, लंबी लड़ाई है निसंदेह, और हम मन बना के इस मैदान में कूदे के लिए तैयार तैयार है जी जी।